नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है उनके गम्स में, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाते हैं। तो मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरे दोनों बच्चों को जब दांत निकल रहे थे तो क्या मेरे बच्चे भी खाना खाना छोड़ देते हैं क्या, या जब खाना खाना छोड़ देते हैं तो आप क्या करते हो। तो आज के वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो ये टीदिंग पीरियड है उसमें हमने कैसे मैनेज किया, अपने दोनों बच्चियों को कैसे कम्फर्ट कराया है, कैसे उन्हें खाना खिलाया है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि हमने फॉलो की हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे या अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए होता क्या है ना, बच्चा का बहुत अच्छा रूटीन सेट होता है, बच्चा अच्छे से खाना खाता है, उसका स्लीपिंग पैटर्न एक डिसाइड रहता है, उस टाइम पे वो सोता है। बट जब टीदिंग स्टार्ट होता है, मतलब दांत निकलना स्टार्ट होते हैं, ये 4-5 महीने से स्टार्ट हो जाता है, कुछ बच्चों में 2-3 महीने में भी आ जाते हैं। जैसे मेरी बड़ी बेटी को 9 महीने में स्टार्ट हुए थे और जो छोटी बेटी उसको 6 महीने में स्टार्ट हो गए थे। तो जैसे ही टीदिंग पीरियड आता है तो बच्चे का मतलब जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, खाने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, खाना ही नहीं खाता है, फजी हो जाता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके अलावा है कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को दांत निकल रहे हैं। जैसे मेरी दोनों बेटियों के साथ क्या होता था, उनका जो ये ऊपर का हिस्सा है सर, काफी गर्म हो जाता है। दूसरी चीज, जैसे ये हर एक बच्चे के साथ होता है, क्या जब बच्चे का दांत आता है, निकलने वाला होता है, तो बच्चे के मसूड़ों में थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, गम्स में ऐसे बबल जैसा बन जाता है, तो उससे बच्चा बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। अब ऐसे में आप बच्चे को कुछ भी खिलाओगे तो ऑब्वियसली तो वैसे ब्लड निकल रहा है, उसको पेन हो रहा है, फिर उसमें आप उसको कुछ भी ऐसा खिलाओगे तो ऑब्वियसली उनको दर्द होगा, वो नहीं खाते हैं खाना। तो ये कुछ पीरियड होता है, कुछ टाइम होता है, 4-5 दिन का बोल लीजिए, तो उसमें बच्चा बहुत कम खाना खाते हैं। लेकिन आपको ये थोड़ा सा सोचना है कि ये भी एक फेज है जो कि निकल जाएगा। तो दोनों बच्चों के साथ हमने भी ऑब्जर्व किया है, हमारे साथ भी हुआ है, जैसे कि 2-3 दिन तक ही नहीं खाते हैं खाना, फिर थोड़ा रुके खाने लग जाते हैं। बट उस टीदिंग के दौरान, उस टीदिंग पीरियड के दौरान हमने कुछ ऐसी चीजें ऑफर की हैं उनको, ऐसा चीजें खिलाया है जिससे कि उनका पेट भर जाता था। देखिए फर्स्ट टिप ये है कि आप जो भी बच्चे को दे रहे हो खाने के लिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से नया कुछ दे रहे हो, जो भी बच्चे को पसंद था अभी तक खाने में आपको वही ऑफर करना है, क्योंकि इस टाइम पे वैसे ही बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, कुछ नया ही उसको ला करके दे दोगे तो वो नहीं खाएगा। सेकेंड थिंग, जैसे क्या होता था हमारी बच्ची के साथ, वैसे तो हम उसको चपाती दाल ये सब आराम से गला करके रोटी एक एक खिला देते हैं, बट टीदिंग के दौरान वो रोटी नहीं खाती है, क्योंकि रोटी थोड़ा सा हार्ड होती है, तो उस टाइम पे आपको सॉफ्ट फूड ही बच्चे को देना है। आप जैसे कि दाल चावल दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो प्यूरी के फॉर्म में ही फूड दे दो, सूजी की खीर बना दो, आप दलिया दे दो, मतलब पतला पतला लिक्विड वाला खाना दो, जिससे कि बच्चे को ज्यादा च्यू नहीं करना पड़े, क्योंकि बच्चा च्यू नहीं करेगा तो उसे गम्स में पेन भी नहीं होगा, वो आराम से खा पाएगा। थर्ड थिंग जो कि हमने ऑब्जर्व की अपने बच्चों के साथ, जैसे हम कुछ भी सॉल्टी फूड उनको खिलाते थे तो अब जैसे गम्स में ऑलरेडी छिल गया है, वहां से ब्लड निकल रहा है, अब हम कुछ नमक वाला कुछ भी ऐसा आइटम खिलाते हैं तो उनको वहां पर झंझनाहट होती है, पेन होता है, तो वो एक बाइट खाने के लिए आ करता है बट नेक्स्ट बाइट भी खाते ही नहीं है बच्चे। तो आप इस टाइम पे ना नमक वाला खाना मत दीजिए, दो तीन दिन आप मीठा खाना दीजिए। मीठा का मतलब ये नहीं कि आपको शुगर ऐड कर देना है, जैसे मान लीजिए आपने सूजी का हलवा बनाया तो उसमें शुगर ऐड करके थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दीजिए। ये गर्मी की बात करूं, गर्मी में आपको गुड़ नहीं देना होता है ज्यादा बच्चे को, तो आप जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट प्यूरीज, वो मिला दो, पपाया को जैसे कद्दूकस करके दे दो, या फिर आप बनाना मैश करके मिला सकते हो, एप्पल मिला सकते हो, तो इससे क्या है फूड का टेस्ट चेंज हो जाएगा, मीठा हो जाएगा ना, तो बच्चे को वो गम में चुभेगा नहीं, मतलब दर्द नहीं होगा गम्स में जब वो खाएंगे। तो ये चीज हमने फॉलो करी है। और जैसे फ्रूट्स वगैरह भी हम इस टाइम पे कद्दूकस करके दे देते हैं अपनी बच्ची को, तो आराम से खा लेती है। एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे ड्यूरिंग टीदिंग कि बच्चा खाना बहुत कम खाएगा, मिल्क के लिए ज्यादा रोएगा। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो बिल्कुल माँ का दूध ही पिएगा, या अगर फॉर्मुला पे है बॉटल लेता है तो बॉटल ही पीता रहेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये मत सोचिए कि बच्चा दिन भर दूध ही दूध पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है। मैंने बताया ये एक फेज है जो कि निकल जाएगा, अभी 2-3 दिन आपको पूरा, आपको बस बच्चा जो चाह रहा है वो करना है। आप दूध पिलाइए प्लीज भैया, बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा, पानी पिलाइए, जूस पिलाइए, मतलब बच्चे को हाइड्रेट रखना, ये नहीं खाना खिलाने के चक्कर में आप उसको दूध भी नहीं दे रहे हो और पानी भी नहीं दे रहे हो। आप एक काम और कर सकते हो, जैसे बच्चों के गम्स में ना मैंने बताया स्वेलिंग आ जाती है, वो हर चीज को ना अपने मुंह के अंदर लेने की कोशिश करते हैं, हर चीज को चबाना चाहते हैं, तो आप टीदर दे दीजिए बच्चे को, सिलिकॉन टीदर, थोड़ा देर के लिए आप उनको फ्रिज में रख दीजिए, फिर दे दीजिए ठंडा ठंडा, उसको स्टरलाइज करके दीजिएगा,
तो बच्चे उसको गम्स में लेकर के चबाएंगे तो बहुत सूदिंग हो जाता है उनके लिए। सेकेंड थिंग, आप क्या कर सकते हो, अपने फिंगर्स को क्लीन कर लीजिए और उससे भी थोड़ा सा ऐसे हल्का दबा करके उनके माउथ में, उनके गम्स में ऐसे मसाज दे सकते हो, तो इससे ही बच्चे को काफी रिलीफ मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप घर पे कर सकते हो। और इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों की टीदिंग के दौरान आप थोड़ा सा हेड मसाज अच्छे से करिए, यहाँ पर की ईयर के पास के मसाज अच्छे से करिए, थोड़ा सा उनको बहुत रिलीफ मिलता है। तो आप ये कुछ टिप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं। बाकी खाने के लिए मैं यही बोलूंगी, हो सकता है आपको वापस से प्यूरी देना स्टार्ट करना पड़े, बट आप करिए, 3-4 दिन का है ये फेज, आराम से निकल जाएगा। आप सोचेंगे कि बच्चे को मैं रोटी खिला लूँ, ब्रेड खिला लूँ, जो जैसा खा रहा था वैसा खाए, ऐसा टीदिंग के दौरान नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।